अध्यादेश के अंदर जिसके जरिए मंत्री और मुख्यमंत्री जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई कैबिनेट है, उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी, अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी, उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी, अथॉरिटी के अंदर दो अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर दो अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसरशाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसरशाही केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी, अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं और वो सरकार, चुनी हुई सरकार अफसरों के जरिए काम करती है, वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है, केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है, कि अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है वो मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। तो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री जो है वो अगर कोई आदेश देगा तो अफसर डिसाइड करेगा कि आदेश सही है कि गलत है। अगर अफसर को लगता है कि आदेश सही नहीं है, अगर वो तो ये बहाना मार के कि वो अफसर आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लो कहते हैं कि दो स्कूल बनाने, अफसर कहते हैं नहीं, दिल्ली में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। अगर अफसर लिख दे फाइल पे दिल्ली में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मान लो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक 100 और बनने चाहिए, चुनी हुई सरकार कहती है, हम तो जनता में घूमते हैं, हम कहते हैं भाई जनता मांग रही है इस इलाके में करोलबाग में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, अफसर कहता है नहीं करोलबाग में मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत नहीं है, बस फिर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, अफसर लिख देता है पानी ठीक आ रहा है, पानी ठीक आ रहा है, फिर अफसर ने लिख दिया पानी ठीक आ रहा है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई, अफसर कहता नहीं गंदगी नहीं है सही है, तो बस फिर सही है। तो ये अफसर को पावर दे दी। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा, एलजी उस पर कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है, इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया। और ये अथॉरिटी बनाई है कि अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री के सर पे दो अफसर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अथॉरिटी की जो मीटिंग है, अथॉरिटी कितना फ्यूटाइल एक्सरसाइज है इससे आप समझ सकते हो। ये पहली मीटिंग हुई, इसके पहले एक फाइल आई मेरे पास 15 दिन पहले, लास्ट वीक ऑफ मई में। उस फाइल में वो एक ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहते थे। उसको फाइल को पढ़ने के बाद मेरी 3-4 क्वेरीज थी, क्लैरिफिकेशंस थे, तो मैंने फाइल पे लिखा कि ये 3-4 मेरे क्लैरिफिकेशंस हैं और इनका जवाब दिया जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मीटिंग किस दिन होगी, कितने बजे होगी और कहाँ होगी। वो 3 या 4 क्लैरिफिकेशंस क्वेश्चंस मैंने लिख के फाइल पे भेजे, वो फाइल मेरे पास फिर वापस नहीं आई, वो फाइल सीधे एलजी के पास चली गई। और उस फाइल पे लिखा गया कि अथॉरिटी के 3 मेंबर में से 2 मेंबर्स की सहमति हो गई है, 1 मेंबर की सहमति नहीं है, इसीलिए इसको अप्रूव। तो वो तो हमेशा ही उन दोनों की सहमति है, वो तो दोनों केंद्र सरकार के ऑफिसर्स हैं और मैं ही उसमें अकेला हूँ। तो मतलब मैं अगर कोई उस मीटिंग के अंदर क्वेरी भी करता हूँ, क्लैरिफिकेशन भी मांगता हूँ, तो मेरी क्लैरिफिकेशन के जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एलजी साहब के पास उन्होंने फाइल भेजी, एलजी साहब ने लिख दिया कि ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए, ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया।
मेरे पास ना ऊपर जाते टाइम फाइल आई, ना नीचे जाते टाइम फाइल आई। मेरे पास तो जब फाइल आई, मैंने उस पर क्वेरी रेज की और क्वेरी के बिना जवाब दिए उन्होंने LG से अप्रूवल। फिर अथॉरिटी की ज़रूरत क्या यार? तो ये दिखाता है, ये सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सारी पार्टियों से भी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, राहत मिलेगी, और अगर राज्यसभा में, संसद में बिल आता है तो उसको जीतने नहीं देंगे। आज एक मुद्दा था जिसमें एक ऑफिसर के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थी, उसने ये फॉरेंसिक लैब में कुछ गड़बड़ की थी, उस पर वो ब्लैक एंड वाइट मुद्दा था, उसमें तीनों की सहमति थी कि इसको सस्पेंड कर, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अथॉरिटी की बैठक से पहले ही ये निर्णय ले लिया जाता है और आपको बताया भी, जानकारी भी नहीं दी जाती? पिछली वाली जो मीटिंग थी उसमें मैंने जैसे बताया, मेरे पास फाइल आई कि इस अफसर को सस्पेंड किया जाए। मैंने कहा कि इसको क्यों सस्पेंड किया जाए, इसके लिए तीन क्लैरिफिकेशन मैंने मांगी। वो तीन क्लैरिफिकेशन का जवाब देना चाहिए था कि ये कारण है। वो तीन क्लैरिफिकेशन के जवाब देने की बजाय उन्होंने फाइल सीधे LG को भेज दी कि अथॉरिटी के तीन सदस्यों में से दो सदस्य तैयार हैं। वो दोनों तो उनके अफसर हैं अपने ही, उन दोनों ने साइन कर दिए, मुख्यमंत्री की इनको जरूरत ही नहीं है। जनतंत्र गया, जनतंत्र की ऐसी तैसी। पूरे दिल्ली के अंदर पहली बार हो रहा है जो इतने बड़े स्थिति, संडे का दिन था ना शायद, संडे को चार मर्डर एक साथ दिल्ली के अंदर हुए। पूरे, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, दिल्ली के लोगों के मन में दहशत है और मैंने LG साहब को लिखा है कि कुछ करें, LG साहब भी करें, अमित शाह जी भी करें, दोनों मिलके दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें। जैसे दिल्ली में हमने एजुकेशन ठीक कर दी, हमारे पास जो जो क्षेत्र थे उनमें से कई क्षेत्र ठीक कर दिए, अगर आज लॉ एंड ऑर्डर, हम पंजाब में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर पहली बार आया। शुरू में आपने देखा कितनी दिक्कत हुई क्योंकि वो पुरानी सरकारों ने कितना गंद मचा रखा था। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के, एक दो इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दिया जाए, अगर पुलिस का कंट्रोल हमें दे दिया जाए, दिल्ली के अंदर देखिए हम कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर करके दिखाते हैं। तो LG साहब को मैंने लिखा, पहले थाना लेवल कमिटीज़ होती थी हर विधानसभा के अंदर, हर थाने के ऊपर। उस थाना लेवल कमेटी का अध्यक्ष होता था लोकल MLA और उसके नीचे RWS होती थी, उसमें काउंसलर्स होते थे सारे उस इलाके के, वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक होते थे। महीने में एक बार ये कमेटी मिला करती थी। इस कमेटी को रिवाइव करने की ज़रूरत है। 2013 में जब से हमारी सरकार बनी, 15 में, तब से ये थाना लेवल कमेटी को डिसबैंडमेंटल कर दिया गया था, इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियाँ पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला, उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए। और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊँगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊँगा, मैं संविधान लेके जाऊँगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश ला के फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। थैंक यू।